नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। शनि देव का नाम सुनते ही लोगों के मन में सहम पैदा हो जाता है। सभी शनि के प्रकोप से डरते हैं, इसलिए लोग शनि देव को क्रूर ग्रह मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ज्योतिष के अनुसार शनि अच्छे कामों का अच्छा परिणाम और गलत काम का बुरा परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए शनि को न्यायाधीश या दंडाधिकारी भी कहा जाता है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार नाराज हुए शनि देव को मनाकर उनके कोप से बचा भी जा सकता है। पूरे देश में शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है और देश के कई हिस्सों में शनि देव के मंदिर मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जहाँ पर शनि देव अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। शनिदेव मंदिर कवर्धा। वैसे तो शनिदेव अन्य मंदिरों में अकेले ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां शनिदेव अपनी पत्नी देवी स्वामिनी के साथ विराजमान हैं। इस पावन स्थान पर दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्थित है। इस स्थान पर पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ शनिदेव के दर्शन करने आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले के करिया आमा गांव में स्थित मंदिर में स्थापित यह मूर्ति पांडवकालीन मानी जाती है। धूल हटने पर सामने आई अद्भुत प्रतिमा। शनिदेव की प्रतिमा पर भक्तों द्वारा तेल चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि स्थान पर स्थापित मूर्ति पर भी लगातार तेल चढ़ाने के कारण काफी धूल मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ गई थी। जब इस पावन प्रतिमा पर जमी परत को साफ किया गया तो शनिदेव के साथ ही उनकी पत्नी देवी स्वामिनी की भी मूर्ति प्राप्त हुई। मान्यता है कि पांडवों ने स्थापित की थी मूर्ति। स्थानीय लोगों का मानना है कि करिया आमा गांव में स्थित शनि देव की प्रतिमा की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय इस स्थान के नजदीकी जंगल में भी व्यतीत किया था। इस अज्ञातवास के समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने शनि देव की इस अद्भुत मूर्ति को स्थापित किया था। तेल चढ़ाए बिना आगे नहीं जाती थी बैलगाड़ी। प्राचीन समय में इस इलाके में बैगा जाति के आदिवासी लोग रहते थे। वह इस पावन स्थान को ओगट पाट कहते थे। इस दौरान इस मंदिर के चारों ओर दीवार नहीं थी। छत्तीसगढ़ी भाषा में ओगन का अर्थ तेल से भरे बांस के टुकड़े होता है। प्राचीन समय में ओगन यानी बांस के टुकड़े का प्रयोग बैलगाड़ी के पहिए में तेल डालने के लिए होता था। कहा जाता है कि बैलगाड़ी जब शनिदेव के मंदिर के पास पहुँचती थी तो अपने आप ही रुक जाती थी और यह बैलगाड़ी तभी आगे बढ़ती थी जब लोग बांस के टुकड़े में भरा तेल शनिदेव की प्रतिमा को अर्पित करते थे। पति पत्नी साथ में करते हैं शनिदेव की पूजा। इस मंदिर को देश का एकमात्र सपत्नीक शनि देवालय कहा जाता है, क्योंकि अन्य मंदिरों में शनिदेव अकेले ही भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में पति पत्नी एक साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। शनि जयंती पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं श्रद्धालु। वैसे तो सारा साल ही शनिदेव के भक्त इस पावन स्थान पर शनिदेव के दर्शन करने व मनोकामनाएं मांगने आते हैं, लेकिन हर साल शनिदेव जयंती पर बड़ी संख्या में भक्त भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर भगवान शनिदेव का अभिषेक करके विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर की देखरेख के लिए बनाई गई मंदिर समिति स्थान को पूरी तरह से विकसित करने की ओर प्रयासरत है। कैसे पहुँचे? कवर्धा जिला मुख्यालय से भोरमदेव मार्ग से होते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर शपरी नामक गांव है। इससे आगे केवल 500 मीटर पर ही प्राचीन मड़वा महल है। मड़वा महल से चलकर जंगलों के बीचों बीच से होते हुए पथरीले रास्ते पर चलते हुए करिया आमा गांव तक पहुंचा जाता है। इस 4 किलोमीटर लंबे कठिन रास्ते में संकरी नदी भी पार करनी पड़ती है। करियामा गांव में ही जंगल में स्थित है शनि देवालय। यहां शनि देव अपनी पत्नी संग दर्शन देते हैं। सो दोस्तों, ये थी कवर्धा स्थित शनिदेव मंदिर से जुड़ी जानकारी, जहां पर शनि देव अपनी पत्नी सहित भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।